आज की ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वीक को इतना लिखा जाता है तो बोल्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू ई ए के वीक को यू ए वाई जी लिखा जाता है तो बोल्ड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, W का 23 और E का 5, A का 1 और K का 11, U का 21, A का 1 और Y का 25 और G का 7। ठीक, यहाँ पर देखते हैं 23 है, यहाँ पर 21 है, तो W को हम U से मिलाएंगे तो 23 है, इधर घट रहा है, मतलब 23 में अगर हम दो घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। फिर ई है, ई को ए से मिलाएंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1, मतलब घट रहा है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद ए है, ए को वाई से मिलाएंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 25 है, तो क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर 1 है, इसको 26 जोड़ेंगे और 26 का मतलब 27 हो गया, 27 में कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर घटाया जा रहा है, कितना, -2। ठीक, यहाँ पर 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। कैसे घटाया है, 1 में 26 जोड़िए फिर उसके बाद 2 घटाइए तो 25 आ जाएगा। फिर इसके बाद के को जी से मिलाएंगे, क्या होगा भाई, के 11 है, यहाँ पर 7 है, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हमको इसको हल करना है, पहले को पहले से मिलान करना है और पहले -2 फिर -4 फिर -2 -4 करना है। बी 2 नंबर पर, ओ जो है 15 नंबर पर है, एल 12 नंबर पर, डी 4 नंबर पर है। चलिए पहले को पहले से ही मिलाना है तो सॉल्व करते हैं भाई, -2 करेंगे तो 2 में से 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, मतलब क्या हो जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक, 26। ठीक, और यहाँ पर 15 है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, पहले एक मिनट पहले इसको समझ लो। अच्छा, ये 26 कैसे आया, यहाँ पर समझ लो, देखो 2 में से अगर 2 घटाना है तो पहले आपको 2 में 26 जोड़ना है, 26 में से 2 घटाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 26 बचेगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आपका जेड आ गया, मतलब 26 आया। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 15 है तो 15 में अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा ना। और फिर इसके बाद एल है 12 में से अगर 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। डी है, डी में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 26 आ जाएगा। कैसे, 4 में अगर हम 26 जोड़ेंगे और फिर इसके बाद 4 माइनस कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 26 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 का मतलब क्या हो जाएगा, के 10 का मतलब जे, 26 का मतलब जेड, तो हमारा आंसर आ जाएगा जेड के जे जेड। ठीक, जेड के जे जेड, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जेड के जे जेड, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।